झज्जर के गांव सिलाना में एक युवक को कांग्रेस को वोट देना उस समय भारी पड़ गया जब उसके भाजपा समर्थित चचेरे भाई ने सरेआम उस पर गोली चला दी। इस हादसे में राजा नामक युवक व उसकी मां दोनों घायल हो गए। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी धर्मेंद्र मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक राजा और उसकी मां को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने घायल महिला को इलाज के बाद छुट्टी दे दी, लेकिन युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई भर्ती करवाया गया। किस बात को लेकर? ये वोट बांटा का वाला। अच्छा, वो बोले मेरा का हाथ घेरो। अच्छा, ऐसी हो था। किसको वोट, किसको वोट देना था? वो मन में मैंने कहा बैठ के देनी थी। हां, और वो किसके गिरवाओ था? वो गिरवा था धनखड़ की। अच्छा, हां, धनखड़ की। धनखड़ तो खड़ा ही नहीं था, किसकी गिरवाओ था? बीजेपी की। बोलिया छुटता है अगर तू लिया जा तरंगत सर बोले सब ने खत्म करूंगा पाओ क्या बताओ तुम्हें। वो नहीं बोले भाई हाथ जड़वा ले, वो मेरा मारे, वो गोली मारी से वो भाई। तू रोड़ो मत कर, धर्मेंद्र रोड़ा नहीं करना चाहिए, तू मेरा बड़ा भाई है। जहाँ उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोप है कि सोमवार सुबह भाजपा समर्थित धर्मेंद्र नामक युवक ने अपने चचेरे भाई राजा पर कांग्रेस को वोट डालने को लेकर गोली चला दी। वहीं इस दौरान बीच बचाव करने आई युवक की मां को भी गोलियों के छर्रे लगे। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से महिला को तो इलाज के बाद छुट्टी मिल गई, लेकिन युवक को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। वो बीजेपी की, कांग्रेस की, इनकी दोनों की पार्टी की, पार्टी की वो भी थी। अच्छा, वोट वाट का चक्करबाजी। वो ने बता बीजेपी की घेर दो। हमने मिला भाई, हम तो दीपेंद्र ही गल है, दीपेंद्र ही घेरा। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ से दीपेंद्र को सपोर्ट किया जा रहा है? हाँ, तो वो बस इस बात पर खच्चा तनी होगा ना, और छोटा मोटा कवासनी होगी थी, टाल होगी थी, तब अपना राज्य, हम अपना राज्य। ये कब हुई थी वोटिंग वाले दिन? आप पहले दिन अरे घर ने होली थी बात। और फिर इन नबातन ले गए, अगले दिन निबला रखी वोट वाट गेरी, निबला वोट गेरी दीपेंद्र की, निबला बस फिर ही बात पक्का सुनी होगा ना। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में राजा की शिकायत पर आरोपी धर्मेंद्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। 13/5/19 को सुबह इतला में सिलाना गांव में गोली चल रही है, वहाँ चले तो एक राज सिंह सुनो कौल सिंह को गोली लगनी मालूम, तो पीजे रोहतक गोली लगने बाद दाखिल हो गया था। वहाँ जाकर बयान दिए उसने, भाई उसका परिवार में भाई है धर्मेंद्र सिंह और इंद्र सिंह, वो उसने कांग्रेस की वोट डाली थी, उसने वो बीजेपी से सपोर्ट करता है बीजेपी को, तो उस पर उनकी कोई होगी थी, उसने उसकी गोली मार दी। उसके बयान पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, धर्मेंद्र की तलाश है। पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। वहीं राजा को जो गोली लगी वो अवैध हथियार से चलाई गई थी। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीव खन्ना की रिपोर्ट।